नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन 20 फरवरी 2019 के हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने 1 से 19 फरवरी तक करंट अफेयर और डिस्कस कर लिया है। वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप सारे के सारे वीडियो जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम यूपीएससी, रेलवे, एचपीएससी, एसएससी, एसएससी, बैंकिंग सभी में बहुत ही बेनिफिशियल हैं। इसके साथ साथ आप मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं एजुकेटर हूँ। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाके अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और सारे के सारे आपको जो कोर्सेज़ हैं वो आपको सुनील गोस्वामी नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको सारे कोर्स हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगे बिना किसी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई इसके अंदर आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो आप वहाँ जाके फॉलो कर लीजिए, जिसमें हिस्ट्री, बायोलॉजी, एचपीएससी के लिए बहुत सारे कोर्स मैंने अपडेट किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 20 फरवरी का जो करंट अफेयर। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपातकाल स्थिति में देशव्यापी हेल्पलाइन कौन सा नंबर लॉन्च किया है? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपातकाल स्थिति में एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है जो है 112। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय विजन जीरो सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय विजन जीरो सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया। 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के शिल्पग्राम में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में किस भाषा को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में विधेयक पेश किया गया? तो संस्कृत भाषा के हिमाचल प्रदेश में दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने के लिए विधेयक कानून लाया गया। किस राज्य के एनजीओ के लॉरियन स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड जीता? तो ये जीता है एनजीओ ने, लॉरियन स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड है वो झारखंड ने जीता है। अगला है, सिंप्लिसिटी एंड द विजडम पुस्तक किसने लिखी है? तो ये दिनेश सहारा ने सिंप्लिसिटी एंड विजडम पुस्तक लिखी है। 40वां अंतर्राष्ट्रीय रेगिस्तान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो रेगिस्तान राजस्थान में है, जैसलमेर जिला है जो राजस्थान में, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। अगला है, 2018 फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड का खिताब किसने जीता है? तो ये इवाडी गोइड और ऑर्थर वान डोरेन, दो खिलाड़ियों को मिला है, इवाडी गोइड और ऑर्थर वान डोरेन को, जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड देती है, जो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड हॉकी के अंदर। अगला है, सेमी हैवी मिसाइल लेस पनडुब्बी फतेह का अनावरण किस देश ने किया है? तो ये ईरान ने किया है। क्रिप्टो करेंसी बनाने वाला पहला अमेरिकी बैंक कौन सा बन गया है? तो जेपी मॉर्गन अमेरिकी बैंक है जो क्रिप्टो करेंसी बनाने वाला पहला अमेरिकी बैंक बना है। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर नई दिल्ली है। और सूरजकुंड के मेले का आयोजन कहाँ किया गया ये आप बताएंगे, नई दिल्ली, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड है। ठीक है, जिनको किस आंसर है तो यह भी बताना है कि जो प्रॉपर स्टेट है उस किस लोकेशन में, मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये सूरजकुंड मेले का आयोजन होता है, और आप इसका कमेंट जरूर कीजिए। इसके साथ साथ आप फेसबुक पेज टारगेट विद गोस्वामी, जिसमें लगभग 7 से 8 पोस्ट पीडीएफ के रूप में डेली आपको मिलेंगी, तो आप ज़रूर पेज पे जाके लाइक कीजिए और सारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी आप यहाँ पे भी हमें फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पे भी पीडीएफ के रूप में, और टेलीग्राम एक सबसे अच्छा इसका यह कि जितनी प्रीवियस पोस्ट हैं वो भी आपको वहाँ मिल जाएंगी। ट्विटर पे भी आप हमें टारगेट विद गोस्वामी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आएंगे तो ये एक्सपर्ट टीम के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।